सो हेलो गाइज, वेरी गुड मॉर्निंग। तू क्यों आया बीच में? सो हेलो गाइज, वेरी गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप लोगों का फिर से एक नई वीडियो के अंदर। और देखो गाइज, हम कितने अच्छे हो गए। अभी 9 बजे हैं लेकिन हम 8 बजे के उठे हुए हैं। आजकल हम जल्दी उठना स्टार्ट कर दिया हमने। हम अच्छे नहीं हो गए गाइज, जब से मैं जयपुर गई हूँ ना, मेरी जल्दी उठने की ना आदत हो गई है। मैं 8 बजे उठ गई। पर इस आदत को हम पता नहीं कितने दिन तक मेंटेन कर पाएंगे। ज्यादा दिन मेंटेन नहीं कर पाएंगे, पर हम 10-11 बजे उठा करेंगे। तो सोनम, अपनी डाइट के बारे में, प्रेगनेंसी डाइट आज आपकी शेयर कर दे। हाँ बिल्कुल, आज पूरी वीडियो में आपको डाइट मिलने वाली है। अगर आप लोग चाहते हैं इसे मेंटेन करना, वैसे मेरी डाइट बहुत अच्छी हो रखी है फिलहाल, मैं बताती हूँ आपको। तो गाइस, पिछली वीडियो के अंदर कमेंट थे, काफी लड़कियों का कमेंट थे कि आप दीदी सोनम दीदी को मतलब डाइट के अंदर क्या देते हो। मतलब सारी चीज मैं ऑलमोस्ट आपको दिखाने की कोशिश करूंगा, कुछ रह जाएंगे तो आगे की वीडियो में दिखा देंगे। लेकिन भाई देखो, सुबह सबसे पहले उठते उठते चाय मैंने इस लड़की की बंद कर रखी है, जो कि इसकी एडिक्शन है। एक्चुअली मुझे चाय अभी पसंद भी नहीं, मैं पीती नहीं हूं। चाय इसकी पसंद भी नहीं है, प्रेगनेंसी में इसने चाय वैसे भी पीना कम कर दिया है, लेकिन चाय पीना सुबह सुबह बॉडी के लिए ठीक नहीं होता। तो गाइस, सोनम की जो पहली मील रहती है, मतलब पहली ड्रिंक रहती है, इसके अंदर एक अनार, एक चकुंदर और 2 संतरे रहते हैं। इसका जूस बनाएंगे अभी और फिर इस कबूतर को देंगे। मुझे अच्छा तो नहीं लगता, वोमिट आती है। कोई नहीं, लेकिन पीना तो पड़ेगा ना। और गाइस, मियां को देखो, वो वहां पे सो रही है अभी। ये ले, तेरा जूस बन के रेडी है। ये है सोनम का सुबह का सबसे पहले चाय की जगह जूस। पीजा, इसको पीने का बिल्कुल मन नहीं करता। पीजा, गंदी शक्ल मत। गाइस, मैं तो जा रहा हूँ अपना जिम, क्योंकि भाई मॉर्निंग में मेरे को करना पड़ता है कार्डियो, और कार्डियो करने के लिए भैया बहुत मेहनत लगती है। तो अभी जिम में जा रहा हूँ मैं तो। बंदा सुबह सुबह उठ के 2.5-3 घंटे देखो आप फ्रिज की सफाई करने में लगे। क्या जरूरत है तुझे इतनी सफाई करने की, सारे दिन सफाई करती रहती है। मैं कितने कीड़े चला दिए घर में पता है। कपड़े तो तेरे कर रखे, जैसे पूरे कपड़े तेरे पे पहनने के 2-4 होंगे, बाकी तो सारे धुल रहे हैं। और एक ही कोने में पड़ा रहता, जिस कोने में पड़ा रहता ना, वो चद्दर भी 1.5 महीने से नहीं बदली। यार लड़के ऐसे ही होते हैं भाई, काम चला लेते हैं। लड़कियां पागल होती है, काम है रोज एक एक चीज को रगड़ रगड़ के साफ करनी, उनमें आदत पड़ी रहती है। ठीक है भाई, हाइजीन रहना अच्छी बात है, ठीक है, लेकिन नहीं है यार हमारे पास टाइम इन चीजों को छोड़। देखो गाइस, अब है जो इसकी जो सेकंड चीज है, ये क्या खाती है? ये खाती है बादाम, मतलब जूस के बाद बादाम। ये सिर्फ अच्छा रिएक्शन दे रही है कैमरे के लिए, नहीं तो इसको बहुत बुरी लगती है ये चीजें, खाने का मन थोड़ी ना करता है। सही में जब मियां हुई थी ना, तो मैंने सोचा था कि मैं अगले 5-6 साल तक ये नहीं खाऊंगी। इसे पता नहीं था कि 2-2.5 साल बाद में ये सब करना पड़ेगा दोबारा से। गाइज, अभी आ गया अपन एनी टाइम फिटनेस, और एनी टाइम फिटनेस का यही फायदा है कि 24 घंटे और 7 दिन खुला रहता है। 1.5-2 घंटा कार्डियो करेंगे मॉर्निंग में, जब भी वर्कआउट करने वाले जिनको पानी ब्लैक कॉफी लेता हूँ। हलक भी सूख गया, इतनी पसीना निकाल दिया मैंने आज। माय राजकुमार इज हियर। क्या चाहिए? टॉपी चाहिए। वर्कआउट भी करके आ गए और आप अभी सो के उठे हो। क्लोज करो आईज, क्लोज करो। हाँ आईज क्लोज करी ना। ये लो टॉफी जेली वाली। इस वीडियो आगे शुरू करेंगे उससे पहले फिर से मैं आपके साथ एक बेबी प्रोडक्ट शेयर करने वाली हूँ, जो आपके बेबी के लिए बहुत ही नेसेसरी भी है और यूजफुल होने वाला है, जैसे मेरे लिए। इसलिए मैं आपके लिए लेके आई हूँ लव लैब की 4-in-1 हाई चेयर फॉर बेबी। हम इसको 4-in-1 हाई चेयर क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसको शॉर्ट चेयर भी बना सकते हैं, प्ले चेयर भी बना सकते हैं, एंड एज ए बूस्टर सीट भी यूज कर सकते हैं। इसमें आपको 3 height adjustment मिल जाता है विद कुशन। इसे आप 6 मंथ से लेकर 3 इयर्स तक के बच्चे के लिए यूज कर सकते हैं। इसमें आपको टॉडलर फीडिंग बूस्टर सीट विद व्हील मिल जाता है। ये बेबी के लिए एकदम स्टडी, स्टेबल एंड सेफ है, बिकॉज इसमें हाइट एडजस्टेबल मेटल लेग विद रबर ग्रिप मिल जाता है, इससे इसकी ग्रिप बहुत अच्छी हो जाती है। एंड इसमें आपको 3-point सेफ्टी हार्नेस भी मिल जाता है, जो बच्चे को एकदम सेफ रखता है। इसमें आपको रिमूवेबल ट्रे मिल जाती है विद 3 adjustable पोजीशन के साथ, जिसे आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। इसमें आपको 2 position recline एंड 3 height level मिल जाते हैं, जिसे आप ग्रोइंग बेबी के नीड के अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। एंड इसका बेस्ट पार्ट, आपको इसमें रिमूवेबल डिशवॉशर सेफ फूड ट्रे कवर मिल जाता है, जिसको आप इजी एंड क्विक तरीके से अच्छे से क्लीन कर सकते हो हटा के। इसमें आपको कॉम्पैक्ट सा इजी स्टोरेज मिल जाता है। इसमें आपको डिटेचेबल पार्ट ऑफ लेग्स मिल जाते हैं, जिसे आप कार बूट में इजीली फिट कर सकते हैं। एंड इसमें आपको एक फुटरेस्ट मिल जाता है, जिसमें बच्चे आराम से पैर रख सकते हैं और कंफर्टेबली फील कर सकते हैं। एंड ये सॉफ्ट कलरफुल सीट के साथ में आता है, बहुत ही ट्रेंडी सा लगता है। जब भी आप अपने बेबी को नॉर्मल चेयर में बिठाते हैं और उसको खाना खिलाते हैं, तो इसके सेफ्टी हार्नेस बेबी को सेफ और प्रोटेक्ट रखते हैं। और अगर आपका बेबी छोटा है, तो आप इस चेयर को शॉर्ट चेयर बना के नीचे बैठ के भी इजीली खाना खिला सकते हैं। बेस्ट
पार्ट ये है कि आप इस चेयर को प्ले चेयर भी बना सकते हैं एंड इस प्ले चेयर में जो व्हील्स लगे होते हैं जिसे आप बेबी चेयर को इधर उधर कर सकते हैं और बेबी बहुत ही हैप्पी फील करता है। जब भी आप किचन में काम करते हो तो आप अपने बच्चे को नॉर्मल चेयर पे बिठा के फूड दे सकते हैं और अपनी नजरों के सामने रख सकते हैं बच्चे को। गाइस मेरे लिए तो ये 4-in-1 हाई चेयर बहुत ही ज्यादा यूजफुल है। अगर आपको भी ये अच्छा लगा है तो बाइंग लिंक डिस्क्रिप्शन में, गो एंड चेक नाउ। जब मैं घर से गया था ना तो घर की पूरी गंदगी हो रखी थी, सोनम का ये फायदा होता है पूरी घर की सफाई बिल्कुल साफ सुथरी मिल जाती है। अब इसको पता नहीं आए मैं आया हूँ और अभी बाहर जाने की जिद कर रही है। निया मेरे हैं पापा नहीं ये मेरे हैं पापा किसके हो आप? मैं तो निया का ही हूँ। निया का ये मेरे पापा हैं। भगा दे ढंग से आपके नहीं है, हटो यहाँ से। जबरदस्ती का टैग लेने की कोशिश कर रहे हो। ये मेरे हैं मेरे पापा है, वो कह रही है ना मेरे पापा है। किसके पापा है? नहीं ठीक है आप ही के पापा है। बच तो गाइस अभी टाइम देख लो, 12 बज रहे हैं। मेरे तो 3 घंटे से सफाई कर रही थी। चुप साले डंका कह रही चुप साले डंका। किसके पापा है? नहीं मत मारो ब्लीच लग गई नहीं। 3 घंटे लगा दिए सफाई करने में। ऐसे ही होती है सफाई, ऐसे हो जाती है कि अभी भी कपड़े पड़े हैं मेरे बहुत सारे। गाइस 2-3 दिन तो ये बिल्कुल भी खाने का ध्यान नहीं देती, इसीलिए मैं इसका डाइट का ध्यान रखता हूँ। मैं खाना बनाऊंगी, भूख लग रही है मुझे, अब बर्दाश्त नहीं होता। ये लड़की आदत तो मुझे कुछ करने नहीं देती है। बड़ी मुश्किल से इवन मैं 1.5 महीने पहले रजाई वगैरह निकली हुई थी वो सब मैंने अंदर रखी है, सब कपड़े अंदर रखे है, अब जाके मैं फ्री हुई हूँ। अगली सोनम की मील क्या होती है? मील नहीं है, अभी तो वाटर ही चल रहा है। सुबह जूस दिया, फिर 10 बादाम दी, फिर उसके बाद में आप नारियल पानी पिएगी और फिर खाना। तो गाइस जो नेक्स्ट मील होती है वो होती है नारियल पानी, जिसको निया और मम्मा दोनों मिलके पीते हैं। आधा तो निया पी जाती है, आधा मम्मा पीती है। ये देखो तो गाइस ये होती है 3rd मील, जिसमें अगर आपके पास ऑलरेडी एक बच्चा है तो उसका भी ख्याल रखना, पहले उसको पिलाना फिर बाद में खुद पीना। गोल गोल घूम रही है, इसका कुत्ता भौंक रहा है और ये गोल मजा आ रहा है। चल खड़ी हो जा पी ले। प्रेगनेंसी में हर टाइम वो मिटाती है, हर टाइम, बट जबरदस्ती खाना भी पड़ता है, जबरदस्ती खिलाता भी है। सही भी है, खाना चाहिए भाई, पीना चाहिए जितना हो सके, लिक्विड वगैरह ना, तो मैं लिक्विड भी ज्यादा रहती हूँ। पीजा फटाफट पीजा, खत्म नहीं होना चाहिए। पिछली प्रेगनेंसी में 2-2 नारियल पानी पीती थी। ये देखो अभी तो कैल्शियम आयरन की गोली स्टार्ट होगी, जिस वजह से थोड़ी सी वॉमिटिंग दब गई है इसकी। वैसे 3rd मंथ मेरा कंप्लीट हो गया है तो फूड चल रहा है, फूड रनिंग है, तो थोड़ा सा सुधार हुआ है पहले से ना, थोड़ा काफी इम्प्रूव है। हमारे राजकुमार को नहीं दिखा सकता मैं, मम्मा खाना खाते हुए दिख गई। ये दही चावल तो इसके फेवरेट है, ये तो दही चावल खा रही है। और सोनम ने भी आज पुलाव बनाए हैं और राइस खाने का मन था, रोटी खाने का मन नहीं। हाँ तो भाई कुछ भी आपका घर का हो, घर का बना हुआ खाना आपको प्रेगनेंसी में बाहर का थोड़ा अवॉइड ही करे। कभी मन कर रहा हो तो खा लो, ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल रिस्ट्रिक्शन है, मतलब कम खाओ कहने का मतलब ये है। इसके साथ कोई भी सीजनल फ्रूट जैसे कि अभी आम है, आम ले सकते हो। और इसके साथ अभी मैंने इसको सैलेड काट के और देना था, उससे पहले ही इसने खाना स्टार्ट कर दिया। तो बाकी इसीलिए स्टार्ट कर दिया क्योंकि मुझे बहुत तेज भूख लग रही थी, अब कंट्रोल नहीं हो रहा था इसीलिए। तो बाकी गाइज ये है हमारी जो रेगुलर घर में आपका जो भी खाना बनता हो वो लो, लेकिन दही जरूर ऐड करना है उसके अंदर। प्रेगनेंसी में दही बहुत हेल्प करता है हर चीज में, डाइजेशन में अच्छा, प्रोटीन भी होता है। दही और संतरा आपको जरूर खाना है प्रेगनेंसी में। तो गाइज अभी हो गई है भाई शाम, और शाम के बज गए हैं 5, और 5 बजे की जो सोनम की मील होती है उसमें होते हैं 2 से 3 अंडे और 2 ब्राउन ब्रेड और साथ में चटनी। देखो ये देखो, वाह। सोनम तो वैसे नहीं खाती, इसको जबरदस्ती मार मार के खिलाता हूँ मैं, क्योंकि प्रेगनेंसी में ना एग खाना बहुत ही अच्छा रहता है, इसके अंदर बहुत ही न्यूट्रिशन होता है, विटामिन B12 मिलता है, बहुत सारी चीज़ें होती है जो प्रेगनेंसी सपोर्ट और ग्रोथ में बहुत हेल्प करती है। तो खाना चाहिए, अगर आप वेजिटेरियन हो तो बात अलग है। गाइस ने आधा ऑमलेट तो खाया, आधा छोड़ दिया, ऐसे ही करती है, इसका मन पूरी तरीके से करता नहीं है। एंड उसके बाद जो नेक्स्ट मील देता हूँ उसको देता हूँ फ्रूट्स। फ्रूट्स में हो गया एक तो कीवी, थोड़े से अंगूर और थोड़े से तरबूज, मतलब कम क्वांटिटी में देता हूँ क्योंकि भाई प्रेगनेंसी में खाया नहीं जाता, अलग अलग तरीके की क्रेविंग होती है। और निया देखो हमारा क्या खा रहा है, निया दही खा रहा है, माखन चोर है, बचपन से ही दही चावल खाता है, इसके बहुत फेवरेट है बचपन से दही चावल। यहाँ गदा से कैसे मारा था आपने पापा को, कूली पे बहुत तेज लगी थी आपके गदा वो रखा। नहीं मैं तो नहीं डराती बच्चों को, अरे मैंने नहीं डराया बच्चों को। हाँ बचा लोगे मुझे?
हाँ सुन, तुझे भी मारूंगा और तेरी मम्मा को भी मारूंगा, समझ में आई बात? मुझे बचा लो। चलो मेरे साथ, ज्यादा बचाने वाली हो रही क्या अपनी मम्मा? रुक, तेरी मम्मा को अभी मारता हूँ गदा से। रुक रुक, तुझे पहले तो तुझे मारूंगा। रुक 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 रुक, अब तेरी मम्मा को मार। रुक रुक। गाइस मैं तो भाई जिम के लिए रेडी हो गया हूँ, और ये देखो छोटू सा, इसका रोज का सीन यही है कि अब सोनम को, सोनम ने फटाफट काम किया है घर का, और फटाफट काम करके फिनिश करके अब इसको लेके जा रहे हैं हमारी सोसाइटी में, पार्क में खेलेगी वहाँ पे। अब मन नहीं लगता इसको, थोड़ी देर में प्ले स्कूल के अंदर डालेंगे हम लोग। ये देखो गाइस, दादी आई नहीं, और निया देखो पहले ही खेलने भाग गई थी एक बच्चों के पास में, वो आ गई। निया दादी आ गई देखो, अब छोटे छोटे बच्चों के साथ खेलेगी। हमारी दीदी हैं, बहुत दिनों बाद मिली है। दीदी नाम बताओ अपना। निशा नाम है मेरा। निशा नाम है भाई, मैंने तो इनको बहुत दिनों बाद देखा। पहले तो आप बहुत पतले से हुआ करते थे, मोटे कैसे हो गए? जिम करना स्टार्ट करो, देखो कितनी सारी वर्कआउट है यहाँ पे। पतली है वो भी। नहीं पहले बहुत पतली थी, 10 साल पहले। अच्छा आपका चैनल किस नाम से बताओ? निशा जे ब्लॉग। ठीक है चलो कोई नहीं, मैं आपके चैनल का नाम ले देता हूँ, कोई हो तो भाई जरूर सब्सक्राइब कर ले रहे हैं। ये भी बहुत अच्छे ब्लॉग्स बनाती है, फैमिली ब्लॉग्स बनाती है। तो गाइस निया को सोसाइटी में छोड़ के हम आगे अभी अपना वर्कआउट करने के लिए। देखो गाइस मैं कितना डेडिकेटेड हूँ, मॉर्निंग में भी वर्कआउट जा रहा हूँ, इवनिंग में भी वर्कआउट जा रहा हूँ, ताकि मेरी बॉडी से फैट कम हो सके। बॉडी तो फिर भी मेरी याद है, कोई बात नहीं, जा दिख नहीं रहा अभी। बॉडी बिल्डर की आयस कैसी होती है? हो गया, यानी कि चल रहा है तेरा। अभी घर पे आई थी, क्या हाल करा है देखो इनका। नानी बेहोश कर, दादी बेहोश कर रखी है अपनी, मम्मी बेहोश कर रखी है। ठीक है, मेरे को भी थका दिया इसने। थका दिया आपने सबको? थका दिया ऐसे क्या करते हो? गाइस ये लड़की ऐसी है, बिल्कुल नहीं थकती, सबको थका देती है। हम वर्कआउट करके आ गए, हम थक गए लेकिन ये नहीं थका। अब क्या चॉकलेट चाहिए आपको? पहले पुच्ची दो। सारी ऑडियंस को बोलो आई लव यू। सब्जी बहुत अच्छी, थोड़ी सी बोला आई लव यू। मुझे नहीं बोलना, चलो ठीक है ठीक है चलो। सो गाइस जस्ट अभी मतलब आए घर से, और निया को बहुत तेज भूख लग रही थी क्योंकि निया इतना खेला है ना। मेरे बेटा के बाल आ रहे हैं आगे, मैं बाल पीछे कर देता हूँ निया के, है ना। ये देखो गाइस दही इसका इतना फेवरेट है, मतलब इसको हर टाइम दही तो आप हर टाइम दे दो। मैं पूरा डब्बा लेकर आया था, और भी खेल खेल के इतनी थक चुकी है ना, ये आधा कर देगी डब्बे को। 400 ग्राम का डब्बा 200 ग्राम दही खा जाएगा अकेला मेरा निया। फिर भी इस लड़की का वेट नहीं बढ़ता, ऐसी कैसे रहती है? कैलरी ज़्यादा बर्न करती है ना पापा की तरह, है ना। हम कोई बहुत अमीर घराने के हैं क्या? रोज की एक लिपस्टिक खराब करती है। सुन मेरी बात, अभी छीन ली थी इसकी लिपस्टिक, शक्ल दिखाना, पुच्ची दे दे, फ्लाइंग किस दे दे, नहीं छीनूंगा फिर तो। ऐसे ऐसे वाली दे, जब जाके नहीं छीनूंगा। अच्छा नहीं दे रही, रुक अभी छीनता हूँ। ऐसे फ्लाइंग किस दे जल्दी बेटा। ये दे, शक्ल देखो इसकी, आधी रात को ये क्या कर रहा है निया? पिस्टिक दगा रहा है आधी रात को। टाइम देखो एक बार आप, 11:30 बज गए, 11:30 बजे पिस्टिक दगाता है। और गाइस मैं है ना सोनम की आज मील्स नहीं दिखा पाया था। रात को मैं सोनम को सोते वक्त देता हूँ 1 गिलास दूध, बाकी इसने खाना खाया था जो घर का खाना होता है, नॉर्मल खाना, ठीक है। रात को सोते वक्त 1 गिलास दूध, वो भी भैंस का, देसी भैंस का दूध 1 गिलास पीती है रात को। और गाइस अब हम लोग सोने जा रहे हैं, ठीक है। बाकी एक आधी मतलब खाने की मिल थी, वो खाना तो घर का जो नॉर्मल खाना होता है वो इवनिंग का वही होता है, वो मैं दिखाना भूल गया था। तो ये सोनम की अभी फिलहाल डाइट चल रही है जो मैंने आज आपको पूरे दिन में दिखाई है, तो ये वाली डाइट आप भी फॉलो कर सकते हो, बहुत सिंपल सी। ज्यादा मैं नहीं खा पाऊंगी, बहुत खाती हूं मैं। इससे ज्यादा ये खाती भी नहीं है और हमें खिलाना भी नहीं है इसको। मिलते फिर से अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। और जब तक के लिए आप सो, बढ़िया से आराम करो, वीडियो पे एक प्यारा सा कमेंट छोड़ के जाओ। वीडियो और आने वाले किस टॉपिक पे आपको चाहिए तो वो भी जरूर कमेंट करके बताओ।
तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। अब गाइज ये मत बोलना कि बॉडी दिखा रहा, बॉडी नहीं दिखा रहा गाइज, मेरे को है ना कपड़े बिल्कुल सुहाते नहीं है, मैं रात को दिन में हर टाइम टी शर्ट उतार के रहता हूँ। क्या चड्डी में खड़ा है इसलिए दिखा रहा। तो चड्डी पे ये बातें बताने की होती है कि मैं रहता ही हूँ घर के अंदर यार, मेरे को गाइज क्या करूँ यार, मेरी आदत ही ऐसी है। कबाड़ी नहीं टार्जन बोलती तो ज्यादा अच्छा लगता, कबाड़ी तो कपड़े पहन के घूमते, कबाड़ी तेरे जैसे कपड़े पहन के घूमते, देखो कहीं डील, देखो कहीं पजामे में डील लग रहा है, मेरा बेटा करता है मेरे, ठीक है इसकी शक्ल देखो कबाड़ी खुद लगता है। मिलते फिर अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।